हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सबका ब्लॉगर न्यू साथी। पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। होप करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो नए ब्लॉग की नई शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से। तो मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा है, आजकल बारिश हो रही है। तो बारिशों में पहाड़ों में क्या क्या काम करते हैं मैं आपको वो सब दिखाऊँगी इस ब्लॉग के थ्रू। तो सबसे पहले आज का व्यू दिखा देती हूँ। हम लोग पहाड़ी हैं और पहाड़ों में क्या क्या काम होता है वो सब दिखाना एक ब्लॉगर का काम भी है। तो इस वजह से ना मैं आपको आज हम जो भी करेंगे वो सब कुछ दिखाऊंगी इस ब्लॉग के थ्रू। खास तौर से तो पहाड़ों में बारिशों में लोग बाहर भी निकलते हैं और पहाड़ों में क्या क्या काम होता है वो सब दिखाऊँगी मैं इसमें। और साथ ही काफ़ी लोग 2 मिनट के लिए पहाड़ी बन जाते हैं, कपड़े वपड़े पहन के वो पहाड़ों बोलते हैं पहाड़ी हैं, रियल पहाड़ी क्या होता है वो आज मैं आपको दिखाऊँगी इस ब्लॉग के थ्रू। सो सबसे पहले तो मैं पुराने कपड़े पहन लेती हूँ क्योंकि ना बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ लग जाता है कपड़ों में, इस वजह से कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो कुमकुम की भी छुट्टी है तो आप ये भी आएगी काम करने के लिए, जो भी आज करेंगे वो ये भी करेंगे। अब हम लोगों ने कपड़े भी चेंज कर लिए, मैंने तो फटे पुराने कपड़े पहन लिए हैं। तो आप चलते हैं और इसे कहते हैं बरसातिया, इससे ना मतलब पानी नहीं आता है कपड़ों में सो कम भीगेंगे। भीगने के लिए अगर बारिश ज़्यादा जो बढ़ जाएगी तो भीग ही जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। तो आगे मेरी बहन जा रही है ये कुमकुम अच्छा और नहीं देख रही है। और ये पन्नी है मोबाइल को बचाव के लिए, कहीं मोबाइल में पानी ना चला जाए इसलिए पन्नी भी ले जा रही है। कुमकुम ना अपना कुटाल घर ही भूल गई थी तो दोबारा से घर चली गई है कुटाल लाने के लिए। वैसे आ रही थी बिना कुटाल के, मुझसे बोली थी तुम नहीं लाई, मुझे क्या पता मैं अपना तो ला गई ना। मैं चलती हूँ क्योंकि मम्मी तो पक्का जा चुकी है खेतों में और मैंने झाड़ू लगाया। पहले कुमकुम भी स्कूल जाने वाली थी लेकिन फिर बाद में पता चला कि आज छुट्टी है करके इस वजह से। बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन हो रही है, काफ़ी डर भी लग रहा है चलने में क्योंकि ना इतने ज़्यादा पत्थर भी फिसल रहे हैं और मिट्टी की वजह से ज़्यादा ही हो रहा है और लोग भी आ रखे हैं पहले से ही खेतों में। तो अभी हम जा रहे हैं मड़ुआ कोने के लिए, ये है हमारे धान का खेत। और ये रहा मड़ुआ का खेत हमारा, अब गोलते हैं। अब मम्मी कहीं से ही आ रखी है, यहाँ से गोलना है उस साइड को, पीछे साइड को तो हमने कल शाम को गोला था। तो अभी हम गुड़ाई करने के लिए आए थे मड़ुआ और अब थोड़ा बहुत ही रह गया है, अब थोड़ी देर में हम लोग घर जाएंगे और बाकी लोग भी आ रखे हैं यहाँ। पहाड़ की लड़कियाँ और औरतें ऐसी मतलब बारिश के सीज़न में ना गुड़ाई करने भी जाती ही हैं और वैसे तो कम ही लोग जाते हैं, कम ही मतलब ज़्यादातर तो लोग मतलब घर में ही रहते हैं, बाकी टाइम पर जाते हैं।
सो अभी मैं, मेरी मम्मी और मेरे सिस्टर भी आए हैं और बाकी लोग थोड़े बहुत गांव के भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और बारिश में ना एक मतलब बेनिफिट ये भी है कि मच्छर कम आते हैं। कल बहुत ज़्यादा मच्छरों ने काटा मुझे, लेकिन आज मच्छर बहुत कम आए थे। और जिन जिन लोगों को ना मच्छरों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरी तरह, वो ऐसे ही बारिश के टाइम में आ सकते हैं गुड़ाई करने के लिए। सो आप थोड़ी देर में घर जाते हैं, तो मैं आपको मिलती हूँ आप थोड़ी देर में। तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो पे बने रहना है। देख सकते हैं कितना सारा कीचड़ हो गया है मुझ पर भी, और ऐसे ही मेरी सिस्टर लोगों पे, मम्मी पे भी सारा कीचड़ कीचड़ हो गया। और फ़ोन को भी बड़ी मुश्किल से बचाना हो रखा है ब्लॉगिंग के लिए। सो मैं आपको मिलती हूँ आपसे घर जाने के बाद। घर आने के बाद मम्मी और मैं फिर से गोड़ने चले गए थे धानों छोटे से वाले खेत में। और इधर मेरी बहन बर्तन धो रही है क्योंकि बारिश तो रुकी नहीं है अभी भी। तो अब हम घर भी पहुंच गए हैं, अभी बजने वाले हैं 10। और इससे पहले हम ना घर आ गए थे 9 बजे। 9 बजे के बाद हमने फिर थोड़ा छोटा सा धान का एक खेत था, हमने वहाँ पे गुड़ाई की। क्योंकि ना पहले तो हम घास निकालते हैं उसमें फर्स्ट बार, लेकिन सेकंड बार ना उनको बराबर से लगाना भी पड़ता है, एक बार लगाना पड़ता है सारे धानों को बराबर में, नहीं तो नहीं होते बड़े। इस वजह से कहीं पे खाली जगह ना रह जाए, जहाँ जहाँ पे खाली जगह रहता है उस जगह पे फिर दोबारा से धान लगाने पड़ते हैं। सो उससे पहले मडुआ गोड़ा हमने, और मडुआ को भी सेम ऐसे ही इक्वल करके बराबर से लगाया, और फिर उसके बाद धान। तो उसके बाद जो भी करूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज तो मतलब तीनों और हम लोगों को नहीं बांध रहे हैं क्योंकि वो गोट नहीं रहेंगे, क्योंकि बारिश भी हो रही है और इसमें ना बकरियाँ बीमार भी हो जाती हैं गिरने से। तो हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, किन्नू और पल्लू। और अगर हम किन्नू को बाहर बांधेंगे तो नहीं रहेगा उसके बिना अकेले, इस वजह से आप दोनों ही गोट में ही रहेंगे। तो अब मैं सबसे पहले गोबर निकाल लेती हूँ। तो ये रही कौ, तो आज ये भी गोट में ही रहेगी, आज तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये मेरी किन्नू रही, आप ऐसी गोबर निकाल देती हूँ मैं। घर के सारे काम निपटाने के बाद अब मैंने नहा भी लिया है क्योंकि काफ़ी कीचड़ ईचड़ लग गया था कपड़ों में भी। सो अब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो अब मैं पी लेती हूँ चाय। और चाय खैर मेरी बन के रेडी हो चुकी है, तो अब चाय पी लेते हैं। ठंडे में वैसे भी चाय पीना सही है, वैसे चाय कम ही पीना चाहिए। सो अब मैं पीती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो अब थोड़ी बहुत बारिश भी रुक गई है, और मेरे ना किन्नू और कल्लू को बाहर बांध दिया है क्योंकि ना किन्नू बहुत ज़्यादा रो रहा था गोद में। वैसे तो कम ही रोता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मतलब खा भी नहीं रहा था ना, इस वजह से ना मम्मी ने किन्नू को और कल्लू को बाहर बांध दिया है क्योंकि बारिश भी कम होने लग गई। कम क्या तो नहीं हुई इस वक्त। सो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ उससे पहले। देखिए दोस्तों, आजकल हमारे बैगन लग गए हैं छोटे छोटे, वैसे छोटे तो नहीं है सभी के बराबर तो हुए हैं, लेकिन इनका भाटा बहुत ही अच्छा होता है। और दो प्रकार के हैं हमारे, एक ही वाले बैगन हैं, हमने एक वर्ष बनाया जिसे का या वर्ष है, और एक ही है। हरी मिर्च भी लगने लग गई है, मैंने भी लगाई थी सारे के सारे पे, अब हरी मिर्च भी होने लग गई है। भिंडी के फूल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और भिंडी भी लग रही है आजकल तो। खैर भिंडी तो हमने 2-3 बार बना दी है सब्जी। और ये हल्दी का पेड़ है जो सामने से आप लोग देख रहे हो, और ये दाल। और अब धान भी वैसे काफ़ी बड़े हो गए हैं, और ये मक्के के पेड़। और अभी इस वाले खेत में भी गुड़ाई करनी है मडुआ के, भी की नहीं है, और इनमें तो खैर कर दिए हम लोगों ने। मेरी पिंकी भी आ गई है बाहर, पिंकू हमारे घर के सामने ना बहुत प्यारा फूल अपने आप ही उगा था ये इधर पे, तो मैंने इसके साथ भी फ़ोटो क्लिक कर दी है। मुझे फ़ोटो खींचने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जिससे प्यार करते हैं उसको तोड़ते नहीं हैं, उसे ऐसे ही प्यार किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। तो मैं भी फूलों को कभी नहीं तोड़ती, बहुत कम तोड़ती हूँ, जब ज़रूरत होती है मंदिर के लिए तभी।
और क्योंकि जिससे प्यार किया जाता है उन चीज़ों को वैसे भी तोड़ा नहीं जाता है, चाहे वो इंसान हो या फिर फूल हो या फिर कुछ भी हो, जिससे हम प्यार करते हैं हम उसे कभी भी तकलीफ दे ही नहीं सकते हैं। सो जो तकलीफ देता है वो कभी प्यार कर ही नहीं सकता। सो मैं आपको आज का व्यू भी दिखा देती हूँ साथ में, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि चारों तरफ से कैसे हॉल लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है। ऐसे मौसमों में पहाड़ों में तो बुराई होती है आजकल, ऐसी जैसे कि सुबह हम लोग गए थे वैसे ही सभी लोग जाते हैं। कुछ लोग बारिश कम होने का वेट करते हैं तो कुछ लोग वैसे चले जाते हैं जैसे कि हम लोग गए थे। सो क्योंकि बारिश नहीं हो रहा था ना, तो सभी लोग बारिश का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। बारिश ना होने की वजह से ना गुड़ाई का काम सब कुछ वैसे ही रुका पड़ा हुआ था। सो आज अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने भी 2-3 खेतों का काम कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि अब थोड़ी बहुत बारिश तो होने ही लग गई है। वैसे अब बारिश का ही टाइम भी है। सो देखते हैं जो भी होगा, आप तो खैर मेरे ब्लॉग पे देख ही लोगे इससे आगे का भी। आज लंच में बनाया हमने लौकी की सब्जी। ये लौकी ना घर की सब्जी है, मतलब तुम बोलते हैं वैसे पहाड़ में, क्योंकि ये आकार का गोल होता है इस वजह से। तो आज हमने बनाई है लौकी की सब्जी यानी कि तुम की सब्जी, वो भी घर की फर्स्ट बार, यानी कि फर्स्ट सब्जी है ये हमारे घर की। सो अब कर लेते हैं टेस्टी सा लंच, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। अभी होने वाले हैं 6:30 और दिन में मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ना उसके बाद धोई था बर्तन धोना और मैंने बर्तन भी नहीं धोए, वैसे मैंने दिन में धोए क्योंकि उसमें बारिश हो रही थी इस वजह से। और अभी तक हम गोल्डन गेले गए थे और वहाँ के सारे मच्छरों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी निशा को ऐसी प्यार और सपोर्ट करें और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं निशा आपको मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। बाय।